हमारे चैनल पीपल एंड हिस्ट्री मैनिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। Twenty-one-year-old from Tilburg, Jeroen Delmay, has got this one to keep Holland in it. One miss each. Oh, and Mansoor saved it brilliantly. It's all over. Pakistan have won the World Cup. The crowd, jubilant as ever, turning Sydney into a little piece of Lahore. A brilliant save by Mansoor there, capping a team effort, individual save, but great effort. And so the year ends as it began, with Shahbaz Ahmed stepping forward to pick up the glittering prizes. It's the Cathay Pacific World Cup going back to Pakistan. A fitting climax to a magnificent year for hockey. Mansoor Ahmed, Pakistan ke mashhoor hockey player the, jo 7 January 1966 ko Karachi mein paida hue. इन्होंने 1986 से 2000 के दरमियान पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के लिए बतौर गोलकीपर और कप्तान की हैसियत से खेल खेला। इन्होंने 338 बैन अल-अक़वामी मैच खेले और 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया, जबकि 1992 के ओलंपिक खेलों में कांस्य का तगमा जीता था। अहमद ने लगातार 3 वर्ल्ड कप खेले और 1993 में वर्ल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप जीता। 1990 वर्ल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी हासिल करे। इन्होंने 3 एशियन गेम्स खेले और 1990 में बीजिंग चीन में सोने का तमगा जीता। अपने कैरियर में इन्होंने हॉकी के बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में 12 तिलाई, 12 चांदी और 8 कांसी के तमगे हासिल किए। इन्हें 1996 में ऑल एशियन स्टार्स हॉकी टीम का मेंबर करार दिया गया और 1994 में वर्ल्ड 11 हॉकी टीम का मेंबर भी करार दिया गया। इनकी चमक ने इन्हें दुनिया का बेहतरीन गोलकीपर बनाकर आसमान से भी ऊपर कर दिया। वो अमेरिकी अटलांटा 1996 में अटलांटा ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ता के परचम बरदार भी रहे। हॉकी हुकूमत पाकिस्तान के मैदान में अपनी उम्दा कारकर्दगी में 1998 में इन्हें सदर अवार्ड से नवाजा गया। 1994 में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। अहमद बतौर कोच हॉकी में शामिल थे। वो सन 2000 में पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के कौमी हॉकी कोच थे और 2014 में बांग्लादेश की कौमी हॉकी टीम के स्पेशल गोलकीपर कोच के अहदे पर फायर हुए थे। इनको 2010 में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हॉकी एकेडमीज का डायरेक्टर भी मुकर्रर किया था। इन्होंने आला कारकर्दगी की डिग्री हासिल की थी। इन्हें 2015 में लॉस एंजलस अमेरिका के खसूसी ओलंपिक्स के मेहमान की हैसियत से भी मधु किया गया था। और फिर अप्रैल 2018 को अहमद ने इंकशाफ किया कि इन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और वो हुकूमत हिंद से मेडिकल वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। वो कराची के अमराज कल्ब के कौमी इंस्टीट्यूट में जेरे इलाज थे। आखिरकार मंसूर अहमद 12 मई 2018 को पाकिस्तान के शहर कराची में इंतकाल कर गए। अपनी मौत से चंद हफ्तों पहले अहमद को मुख्तलिफ पेचीदगियों का सामना करना पड़ा था। 2018 को इन्हें कराची में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।